हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग अ बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। बिजनेस रिपोर्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है और कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होती हैं, है ना, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा, जब भी आप स्टडी करें तो हमारे चैनल पे आए, होम वाले बटन पे आने के बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको बीकॉम न्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, एक सेक्शन दिखेगा जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का नाम जो है आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स के नाम के ऊपर रखा गया है, जिसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं जिनको आप पढ़ करके सुन करके आप बहुत ही अच्छे से यू नो एग्जामिनेशन के प्रिपेयर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप करें, साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे चैनल के ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। बट उससे भी अच्छी बात ये होगी कि आप हमारे चैनल के पास से आप डायरेक्टली आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। देखो, इस प्लान को अगर आप लेते हो तो यहाँ पे तकरीबन 120 रुपीज आपको लग जाते हैं, राइट। बट अगर आप हमारे पास से ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो तकरीबन आपको 250 रुपीज जो है, तकरीबन क्या, आपको 250 रुपीज का फी लगेगा, जिसके अंतर्गत आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। व्हाट्सएप सपोर्ट तो मिलेगा ही, ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी और उसके साथ ही साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी तरफ से। वीकेंड पे क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है उन सबको सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स मुझे लगेगा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सारे टॉपिक्स को मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो कि है क्रिएटिंग अ बिजनेस रिपोर्ट। चलो फिर देखते हैं। सो द रिपोर्ट फॉर्मेट मे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट ब्रॉडली इफ वी लुक आउट एट द बिजनेस रिपोर्ट जनरली वी हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट, है ना। तो कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं? देखो, सबसे पहला बात तो ये है कि जो फॉर्मेट होता है बिजनेस रिपोर्ट का, क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी, वो सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती हैं, ठीक है ना। सबका सेम नहीं होता, ठीक है। बट इन जनरल अगर देखा जाए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि सारे के सारे रिपोर्ट्स में पाई जाती हैं। उन सारी चीजों को मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, ऑडियंस ऑफ रिपोर्ट, नॉलेज ऑफ द टॉपिक, ठीक है, आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट, एडिट, प्रूफ रीड एंड फिनिश। दीज आर द 5 पॉइंट्स जो कि हम लोग क्रिएटिंग अ बिजनेस रिपोर्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, सो इट इज टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर राइटिंग दिस रिपोर्ट, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है इस बात को समझो कि आप इस रिपोर्ट को क्यों तैयार कर रहे हो। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स यूज्ड इन द बिजनेस, ब्रॉडली ईदर फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर पर्सुअल, है ना। तो यहाँ पे बहुत तरह की रिपोर्ट्स हैं जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हो सकती हैं, होती हैं, या फिर तो वो इंफॉर्मेशनल होती हैं या फिर तो वो पर्सनल होती हैं, बट की जाती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट जो है बिजनेस में तैयार की जाती हैं। अ रिपोर्ट मे बी अ टेक्निकल रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, है ना। एक रिपोर्ट जो होता है वो कोई टेक्निकल रिपोर्ट हो सकता है जिसके अंदर आप डिस्क्राइब करते हो कि आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से काम कर रहा है, इसमें इन इन चीजों की आवश्यकता है, इसमें ये चीजें हो रही हैं। तो जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो टेक्निकल रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिया जा सकता है, या फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है किसी भी प्रोजेक्ट का। आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, बेनिफिट आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आप तैयार करके वो भी आप दे सकते हो। तो जो पर्पस है रिपोर्ट का वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू आंसर व्हाट एंड व्हाई ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट, है ना। इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो वो क्या है और क्यों आप उस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हो। पर्पस ऑफ रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको ध्यान में रख करके आपको अपना बिजनेस रिपोर्ट तैयार करना होता है, ठीक है। अगला है ऑडियंस ऑफ रिपोर्ट। आप जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो उसका ऑडियंस कौन है, कौन कौन इन चीजों को देखेगा, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट द ऑडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑडियंस को पहचाने, ठीक है ना। Who will read the report? आपके रिपोर्ट को कौन पढ़ेगा? Will they be able to understand what you are trying to communicate? क्या वो इस बात को समझ पाएंगे जो चीजें आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या वो उनको वो बातें समझ में आएंगी? Readers knowledge of the subject will greatly influence the content that you are creating or kind of information you intend to give, है ना। तो reader का जो knowledge है वो भी एक तरीके से बहुत ही important role play करता है यहाँ पे, क्योंकि अगर reader को knowledge नहीं होगा तो जो भी चीज़ आप एक तरीके से share कर रहे हो report के माध्यम से वो उसको समझ में नहीं आएंगी, राइट। तो रीडर का नॉलेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्टर है।
ठीक है ना। लेकिन दूसरा पॉइंट है ऑडियंस रिपोर्ट। आप जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो वो ऑडियंस का रिपोर्ट हो, ऑडियंस को समझ में आए ऐसा रिपोर्ट आपको तैयार करना है, ऑडियंस के लिए हो, है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज नॉलेज ऑफ द टॉपिक। जिस टॉपिक के ऊपर भी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर में आपको नॉलेज होना चाहिए। सो इट इज ऑब्वियस वी मस्ट हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ द टॉपिक फॉर विच यू आर राइटिंग द रिपोर्ट, है ना। आप जिस चीज के बारे में भी रिपोर्ट लिख रहे हो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, थॉरो एक तरीके से नॉलेज आपके पास जो है होना चाहिए, ताकि आप रिपोर्ट को ठीक तरीके से तैयार कर सको। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप रिपोर्ट को तैयार नहीं कर पाओगे, आप कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट उसके अंदर नहीं डाल पाओगे जिसके कारण से रिपोर्ट और बेहतर लगे। तो दिस इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिसर्च द टॉपिक एंड इंक्लूड ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू प्रूव योर पॉइंट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से रिसर्च करो और जो भी वहाँ पे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको डालनी चाहिए वो चीजें आप वहाँ पे डालो, ताकि आपका रिपोर्ट जो है और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। यू कैन यूज वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक जर्नल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बुक्स, वेब ईटीसी, है ना। यहाँ पे बहुत तरह के रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने रिपोर्ट को तैयार करने में, जैसे कि जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, बुक्स हो गए, वेब हो गया, वेब पे जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है उन सबका इस्तेमाल करके आप जो है अपना टॉपिक को क्रिएट कर सकते हो, टॉपिक को आप इनहेंस कर सकते हो अपना। तो नॉलेज होना तो अपने टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ है आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस रिपोर्ट कैन इंक्लूड द फॉलोइंग एसेंशियल्स, है ना। जो स्ट्रक्चर होगा आपके रिपोर्ट का इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। टाइटल पेज आ जाएगा, आपके रिपोर्ट का जो टाइटल होगा वो आपको देना है। एग्जीक्यूटिव समरी आ जाएगी, टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा जहाँ पे आप कंटेंट अपना मेंशन करोगे। इंट्रोडक्शन आ जाएगा, आप अपना जो भी आपने रिपोर्ट तैयार किया है उसका आप इंट्रोडक्शन दोगे वहाँ पे। द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, आप बॉडी तैयार करोगे रिपोर्ट का कि ये आपकी पूरा का पूरा रिपोर्ट है। लास्ट में आप कंक्लूजन दोगे, ठीक है ना, कि रिपोर्ट का जो है कंक्लूजन ये निकला। रिकमेंडेशन आप दोगे, आपके रिपोर्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपने अगर कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा है तो उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं ये रिकमेंडेशन भी आपको देने हैं। आपको अपेंडिक्स डालना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से उठाई है। बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस भी डालना है, आपने जो भी चीजें वहाँ पे मेंशन करी अपने रिपोर्ट में उस चीज के रिगार्डिंग बिब्लियोग्राफी रेफरेंस डालने से क्या होता है कि अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है जो भी रीडर है तो वो रेफरेंस का इस्तेमाल करके उस चीज को वहां से समझ सकता है। रिपोर्ट में सारी चीजें तो आपकी नहीं हो सकती ना, कुछ चीजें आप बाहर से भी डालोगे तो जो 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 भी चीजें आप बाहर से डालोगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखानी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला है राइट, एडिट, प्रूफ रीड एंड फिनिश। सो वंस यू हैव स्ट्रक्चर्ड योर रिपोर्ट, जैसे ही आपने रिपोर्ट अपना तैयार कर लिया, फिल आउट द हेडर्स विद द कंटेंट। आप अपने हेडर्स को तैयार कर लो कंटेंट दे करके। वंस द मेजोरिटी ऑफ योर टेक्स्ट इज रिटन, रीड थ्रू इट एंड मेक श्योर इट इज इट वेल, इट फ्लोज वेल, है ना। तो जब आपका मेजोरिटी ऑफ द टेक्स्ट जब आप उसको राइट कर लोगे तो आप उसको रीड करना स्टार्ट करो, आप उसको पढ़ो और ठीक तरीके से पढ़ करके समझो कि आपका जो फ्लो है, पढ़ने का जो तरीका है, जो आपने लिखा है उसका फ्लो कैसा, किस तरीके का है, ठीक है ना। चेक फॉर ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग, आप अपना ग्रामर और स्पेलिंग के ऊपर ध्यान दो, अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको ठीक करो। एंड डबल चेक ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड इट्स लॉजिकल फ्लो, है ना। और आपको डबल चेक करना होगा कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो रिलेवेंट है या नहीं है, और जो फ्लो है वो लॉजिकल है या नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बोल दिया फिर उसको चेंज आप तुरंत कर दे रहे हो। फ्लो में चीजें होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए रीडर्स को, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप बिजनेस रिपोर्ट क्रिएट करोगे तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रख करके चीजों को करना होगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।